नमस्कार, एएनवी न्यूज के सभी दर्शकों का हमारे शो सच पे पर्दा में स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत छाया हुआ है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी एक रैली को संबोधित करते हुए आलू की खेती करने वाले किसानों को बोल रहे हैं कि तुम्हें ऐसी मशीन दूंगा जिसमें एक तरफ से आलू डालोगे तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। देखिए वीडियो। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। जब एएनवी न्यूज ने इस वीडियो की जांच पड़ताल की, तब हमारे हाथ लगा पूरा वीडियो, जिस वीडियो को देखते ही पता लगता है कि सत्य क्या है। आप भी देखिए दूसरा और पूरा वीडियो। नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी की सरकार ने 33,000 करोड़ रुपए दिए, आपकी जमीन छीनी, किसानों से जमीन छीन के उनको उस फैक्ट्री को दी, बिजली दी, पानी दिया। आप सड़क पे चलते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अजीब सी बात है, हजारों किलोमीटर का मेरा दौरा हो गया, मैंने सड़क पे एक नैनो गाड़ी नहीं देखी। क्या आपने देखी है? क्या आपने एक गाड़ी देखी है? ये 33,000 करोड़ रुपए किसका था? ये आपका था। ये गुजरात के किसानों का खून पसीने का पैसा था। एक गाड़ी नहीं बनी, 33,000 करोड़ रुपए आपका, मार्केटिंग मोदी जी की, और आप देखते रह गए। ये सच्चाई है गुजरात की। आदिवासियों को कहा 40,000 करोड़ रुपए दूंगा, एक रुपया नहीं दिया। कुछ महीने पहले यहां बाढ़ आई, 500 करोड़ रुपए दूंगा, एक रुपया नहीं दिया। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, और अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए 3,000 रुपए दो। तो आपने देखा कैसे सच पे जो पर्दा था उसे एएनवी न्यूज ने उठाया। आगे भी हम इसी तरह उठाते रहेंगे सच पर से पर्दा। आप बने रहें एएनवी न्यूज के साथ। फिलहाल मैं दीपक ठाकुर आपसे लेता हूं इजाजत। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।